डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सफलता सूत्र डोल बोल खोल की बात करेंगे। डोल यानी डोलना, घूमना, बोल यानी बोलना, खोल यानी खोलना। खोलना का आप कोई दूसरा मीनिंग ना लें, खोल यानी खोलना अर्थात खर्च करना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डोल यानी डोलना, घूमना। दोस्तों, घर से बाहर निकली पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर आपकी सफलता से मुलाकात हो जाए, इसलिए घर से बाहर निकले। दोस्तों, बैठे बिठाए तो शेर को भी शिकार नहीं मिलता, शेर को भी शिकार करने के लिए गुफा से बाहर निकलना पड़ता है, जंगल की खाक छाननी पड़ती है, तब जाकर शेर को शिकार मिलता है। इसलिए दोस्तों, घर से बाहर निकलिए, जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए, कॉपी किताब खरीदिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम देने जाइए, इंटरव्यू देने जाइए, तमाम भर्तियां निकलती हैं, भर्तियां देखिए, घर से बाहर निकलिए, पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर आपकी सफलता से मुलाकात हो जाए, इसलिए घर से बाहर निकलिए। बोल यानी बोलना। दोस्तों, छोटे बच्चे को माँ भी जब तक वह नहीं रोता, छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। बोल यानी बोलना अर्थात एग्जाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य को साबित कीजिए कि आप उस जॉब के लायक हैं। जब आप उस जॉब के लायक बन जाएंगे, निश्चित रूप से वह जॉब आपको मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा। जब आप एग्जाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा यह साबित करेंगे, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य साबित कर दोगे, उसी दिन आपको वह जॉब अवश्य मिल जाए। तो बोलिए, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य को साबित कीजिए एग्जाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, अपनी दौड़ धूप के द्वारा। खोल यानी खोलना यानी खर्च करना। दोस्तों, जो भी आपके पास 2-4 हजार रुपए की गठरी है, उस गठरी की गांठ खोलिए, खर्च करना सीखिए। कुछ साथी मैंने देखा है, जॉब के फॉर्म अप्लाई करने की फीस 1000 रुपये होती है, 500 रुपये होती है, तो वह जॉब के लिए फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते, आवेदन ही नहीं करते कि नहीं इसकी फीस तो ज़्यादा है, मैं नहीं करूँगा। या कहीं एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर होता है, तो एग्जाम सेंटर दूर होने के कारण जाने में किराया खर्च होगा, इसलिए वो फॉर्म अप्लाई नहीं करते। दोस्तों, खर्च करना सीखिए, फॉर्म अप्लाई करने में, कॉपी किताब खरीदने में, एग्जाम देने जाने में, इंटरव्यू देने जाने में, भर्ती देखने जाने में पैसे का लोभ मत कीजिए, पैसे की गठरी की गांठ खोलिए, अपने ऊपर, अपने आप पर खर्च करना सीखिए। खोल यानी खोलना, खर्च करना सीखिए अपने आप पर। दोस्तों, इस फंडे को, डोल बोल खोल के फंडे को यदि आप अपनाओगे, निश्चित रूप से आप एक दिन जरूर सफल होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। दोस्तों, इस फंडे को अपनाकर लोग नेता बन जाते हैं, विधायक, सांसद, सीएम, पीएम तक बन जाते हैं। कैसे? डोल यानी वो लोगों के बीच जाते हैं, समय समय पर लोगों से मिलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। बोल चुनाव के दौरान वो लोगों से वादा करते हैं, लक्ष्यदार भाषण देते हैं, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आवास का वादा करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, लोगों को अपना बनाते हैं। खोल
और चुनाव में समुचित रूप से पोस्टर, बैनर, गाड़ी घोड़े कार्यकर्ताओं पर खर्च भी करते हैं। तो लोग डोर डोर खोल के इस फंडे को अपना करके विधायक, सांसद, सीएम, पीएम तक बन जाते हैं, सरकार के मालिक बन जाते हैं। क्या आप इस फंडे को अपनाकर सरकारी, छोटी सी सरकारी जॉब नहीं पा सकते? जरूर पा सकते हैं दोस्तों। परिश्रम कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, निश्चित रूप से आप इस फंडे से सरकारी जॉब पा जाओगे। अपने मन के मुताबिक लक्ष्य को हासिल करोगे, सरकारी जॉब प्राप्त करोगे। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहना चाहूँगा, दोस्तों उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। इसलिए दोस्तों, डोल घर से बाहर निकलिए, एग्जाम देने जाइए, इंटरव्यू देने जाइए, फॉर्म अप्लाई कीजिए। बोल अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य को एग्जाम द्वारा, इंटरव्यू द्वारा, भर्ती द्वारा, दौड़ धूप द्वारा साबित कीजिए। खोल आवश्यकता अनुसार आने जाने में, अपने ऊपर खाने में, फॉर्म अप्लाई करने में, कॉपी किताब खरीदने में, इनमें खर्च करना सीखिए, अपने आप पर खर्च करना सीखिए। दोस्तों डोलिए, बोलिए, खोलिए, यानी अपने आप पर खर्च करना सीखिए। इस फंडे को अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल जीवन की मंगल कामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।